तो पांच पेपर क्वेश्चंस में से पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द क्वोशेंट एंड रिमाइंडर व्हेन 2x raised to 4 plus 1। ये एक एक्सप्रेशन है, 2x raised to 4 plus 1, इट इज डिवाइडेड बाय x² - x + 2। x² - x + 2 ये आपका डिवाइजर बन गया और इससे आपने डिवाइड करना है 2x raised to 4 plus 1 को। अब जाहिर सी बात है यहाँ पर एक x³ वाली टर्म होनी चाहिए, फिर एक x² वाली टर्म होनी चाहिए, फिर एक x वाली टर्म भी होनी चाहिए और आखिर में कांस्टेंट होना चाहिए। तो जो टर्म्स मिसिंग है उनको हम जीरो कोफिशिएंट के साथ यहाँ पे लिख रहे हैं। सबसे पहले 2x raised to 4 को कैंसिल आउट करना है, तो हम ये करेंगे कि 2 और x² से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपके पास यहाँ पर जो है ना 2x raised to 4 पॉजिटिव आ जाएगा, फिर माइनस 2x² और माइनस एक्स मल्टीप्लाई होगा, आपके पास -2x³ आ जाएगा, फिर उसके बाद +4x² आएगा और इन सब की साइंस चेंज होंगी, जो नेगेटिव है पॉजिटिव बन जाएंगे, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव बन जाएंगे, ये कैंसिल आउट होगा। यहाँ से आपके पास 2x³ बचेगा, -4x² +0 x को हम नीचे मूव कर लेंगे। इसके बाद हम +2x से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपके पास 2x³ आ गया पॉजिटिव, फिर -2x² आ गया, फिर उसके बाद +4x आ गया, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव ये हो गया, ये कैंसिल आउट हो गए। यहाँ पे आपके पास बचा -2x² -4x और आखिर में 1 आपने नीचे मूव कर लिया। ठीक है, अब कैंसिलेशन के लिए फाइनली आपने -2 से मल्टीप्लाई किया, तो -2x² और माइनस माइनस +2x और -4 यहाँ पर आ गया, सबकी साइंस चेंज कर दी। साइन चेंज करने के बाद ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे -6x बचा और ये +5 बचा। अब जो एक्सप्रेशन है इसके अंदर जो पावर ऑफ एक्स है ना वो आपके डिवाइजर की मैक्सिमम पावर से कम हो गई है, तो इसका मतलब है कि अब ये फर्दर डिवाइड नहीं होगा। आपने दो चीजें बतानी थी, कोशेंट क्या आ रहा है, तो आपका जो कोशेंट आ रहा है डिविजन के बाद वो आप लिखेंगे 2x² + 2x - 2, और दूसरा आपको बताना था कि आपका रिमाइंडर यहाँ पर क्या आ रहा है, तो रिमाइंडर -6x + 5 आ रहा है। ये दो चीजें आपने मेंशन कर दी तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, तो इस तरह ये काम करके आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे। We try to explain complex concepts in simple language and with effective examples. If you like the video and the way we explain the subject, consider liking this tutorial, commenting on it and subscribing to our channel and press the bell icon, so that you stay updated and get notified when we upload more videos. Thanks for watching.